पूरे देश के अंदर जनतंत्र लागू हो गया, दिल्ली के अंदर जनतंत्र लागू नहीं हुआ। दिल्ली के लोग वोट डालते हैं, दिल्ली के लोग सरकार चुनते हैं, लेकिन उनकी सरकार के पास कोई पावर नहीं है। 70 साल से दिल्ली के लोग मांग कर रहे हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाया जाए, जैसे महाराष्ट्र की सरकार के पास, मध्य प्रदेश की सरकार के पास, हरियाणा की, पंजाब की, राजस्थान की सरकारों के पास पूरी पावर होती है अपने अपने प्रदेश के लोगों के लिए काम करने की। दिल्ली के लोग जो सरकार चुनते हैं उनके पास कोई पावर नहीं होती है। दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी तो दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, हर परिवार को अपना एक घर मिलेगा। दिल्ली पूर्ण राज्य मिलेगी तो पूरी दिल्ली साफ सुथरी होगी, सुंदर होगी। दिल्ली को पूर्ण राज्य मिलेगा तो रोजगार मिलेगा हर युवा को। दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, जितने कच्चे कर्मचारी हैं सब पक्के होंगे। दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, लोगों को सुरक्षा मिलेगी, लोगों को न्याय मिलेगा और उनके विकास के काम, जो अभी सारे काम केंद्र सरकार रोकती है, वो तेजी से होने लगेंगे। तो 1 मार्च से दिल्ली के अंदर, दिल्ली में पूर्ण राज्य का के लिए आंदोलन शुरू होगा और 1 मार्च से इस आंदोलन के लिए दिल्ली के लोग, वैसे ही सब लोग चाहते हैं कि पूर्ण राज्य मिले, लोगों को संगठित करने के लिए और इस आंदोलन की शुरुआत करने के लिए 1 मार्च से मैं अनिश्चितकालीन उपवास के ऊपर, वो मैं आपको समय मैं सब बता दूंगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आप ये अनशन कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया कभी? अच्छी बात है, चुनाव के अंदर अच्छी राजनीति है, चुनाव के अंदर सार्थक मुद्दों के लिए वोट पड़नी चाहिए, ना कि धर्म और जाति के। हिंदू को मुसलमान से लड़ाने की बजाय अगर पूर्ण राज्य के ऊपर इस बार वोट पड़ती है, ये सार्थक बात है।